फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार पर हम खूब सारा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक दूसरे को रंग तो सबको लगाना पसंद है, लेकिन नेक्स्ट डे हमें ऑफिस भी जाना होता है और ऐसे तो कोई अपने हाथ पैर और मुँह पर लगे रंग को लेकर ऑफिस जाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप दिल खोल के होली खेलिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपके फेस पर, हाथ पैरों पर जाहे मर्जी जितना भी जिद्दी कलर जमा है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा। अगर आपके पास भाई एस्ट्रीजेंट है तो आप एस्ट्रीजेंट ले लीजिए, उसको अपने कॉटन पर लगाइए थोड़ा सा और उसको अपने फेस पर, हाथ पैरों पर रब कीजिए। आप देखोगे कि आपके फेस पर जितना भी कलर जमा है वो इजीली निकल जाएगा। या फिर आप क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए, जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको कुछ सूट नहीं करता, क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए। क्लींजिंग मिल्क से भी बहुत अच्छे से आपका जितना भी कलर आपके फेस पर है वो अच्छे से निकल जाएगा। या आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आप दही और नींबू को मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पर, हाथ पैरों पर उसको अच्छे से रब कीजिए। आप देखोगे कि आपका कलर बिल्कुल निकल गया है। या फिर आपके पास अगर कोई अच्छा सा मेकअप रिमूवर है, मेरे पास तो यहाँ मेबलिन कंपनी का है, आपके पास मर्जी जो भी है आप वो मेकअप रिमूवर ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो जनाब खरीद के लेके आ सकते हो, क्योंकि अभी होली में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले ही अपलोड की है ताकि आपके पास जो चीज़ नहीं है वो ख़रीद के अपने घर पे लाके रख सकते हैं। तो आप मेकअप रिमूवर लेके आइए। मेकअप अगर आपको काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी है, आप चाहते हो चुटकियों में ही आपका कलर गायब हो जाए, तो मेकअप रिमूवर का आप यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन लीजिए, उसमें डिप कीजिए और अच्छे से अपने फेस वगैरह का जितना भी आपको कलर या जहाँ से छुटाना है उसको रख दीजिए, आपका कलर बिल्कुल निकल जाएगा। भाई ये तो हुए आपके, मैंने बताया जैसा कि क्लींजिंग मिल्क का आप कैसे कर से निकाल सकते हैं, एस्ट्रीजेंट से कैसे निकाल सकते हैं, मेकअप रिमूवर से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आपको नींबू सूट नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आपको कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर कॉटन डिप कीजिए और अपने फेस पर अच्छे से मसाज कीजिए। आपके कलर जितना भी आपके फेस पर कलर लगा है वो इजिली निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि जिनके फेस पर दाने हैं उनको क्या करना है, भाई जिनके फेस पर दाने हैं उनको अपने फेस पर जमा हुए कलर को निकालने के लिए क्या करना है। जिनके फेस पर दाने हैं वो संतरे के थोड़े से छिलके ले लीजिए, उसको मिक्सी जार के अंदर डाल लीजिए, थोड़े से उसके अंदर 4 से 5 बादाम ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए और मसूर की दाल ले लीजिए। मसूर की दाल को आपको शाम को पानी के अंदर भिगो के रखना है, सुबह पानी से निकाल के उसको भी मिक्सी जार के अंदर डालना है। चारों चीज़ों को आप मिक्सी जार में डालिए और उसको अच्छे से फाइन सा एक पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए। आप देखोगे कि आपके फेस पर जितना भी कलर जमा है वो इजीली गायब हो गया है। अगर आपके पास ये सब तामझाम नहीं करना, आपको पहले दिन आपको मसूर की दाल नहीं भिगोनी, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप एक काम कर लीजिए, मूली तो रखी होगी, मूली खरीद के लेके आइए। मूली का रस है आपके फेस पर जितना भी कलर जमा है उसको निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। भाई आप मूली को लीजिए, मूली को कद्दूकस कर लीजिए, कद्दूकस करके उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और उस रस के अंदर थोड़ा सा नींबू ऐड कर लीजिए। नींबू नहीं करना है, नींबू है ही नहीं, मेरे को सूट नहीं करता, तो मूली के रस को ले लीजिए, मूली के रस के अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिए और कच्चा दूध। आप ये तीन चीज़ें अगर ऐड करते हैं तो बहुत है आपके लिए। आप मूली के रस के अंदर 1 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर दूध ऐड कर लीजिए और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। जब आपका लगे कि आपको सूखने वाला है, 10% गीला है, आप अच्छे से मसाज करके उतार दीजिए, कलर बिल्कुल आपके फेस से गायब हो जाएगा। और अगला हमारा पैक क्या है कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा बेसन लेना है, नींबू लेना है और कच्चा दूध लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, अपने फेस पर लगा लीजिए, सूखने के बाद उसको अच्छे से रिमूव कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके फेस पर जितना भी कलर जमा था वो अच्छे से निकल गया है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी आप पैक यूज़ करें, कुछ भी आप टिप्स यूज़ करें, उसके बाद आप या तो बादाम के तेल की मसाज कीजिए या फिर एलोवेरा जेल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपके फेस पर ड्राइनेस नहीं आएगी, इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। कलर क्या होता है, कलर आपके फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, जिससे आपको इचिंग और खुजली हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।